हम बात करेंगे Realme 8 5G डिवाइस के यूजर्स ने अपने डिवाइस को Android 12 और Realme 3.0 ऑफिशियल पर अपडेट कर लिया है और कुछ ऐसे बच्चे जिनका डिवाइस अभी भी Android 11 पर रन कर रहा है, तो यहाँ पर कमेंट करें कि हमारे डिवाइस में Android 12 का ऑफिशियल कब तक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ काफ़ी सारे यूजर्स ये भी कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में Android 13 का अर्ली एक्सेस कब तक देखने को मिलेगा। तो सारे को डिटेल शेयर करूंगा, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं Realme 8 5G डिवाइस के, यहाँ पर Android 12 ऑप्शनल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर एंड्रॉइड 11 को अभी तक अपडेट नहीं देखने को मिला तो आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाओगे, सॉफ्टवेयर क्लिक करना है, वहां पर आपको आपके डिवाइस में जो भी एंड्रॉइड देखने को मिलता है उसे आप अपडेटेड कर लोगे तभी आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 12 का ऑप्शनल शो होगा। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल जब भी प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पर एक अपडेट वर्जन मेंशन किया जाता है कि आपका डिवाइस इस वर्जन पर अपडेटेड होना चाहिए तभी आपको एंड्रॉइड 12 का ऑप्शनल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको वेट करना है थोड़ा सा, आपको 15 सितंबर से पहले पहले एंड्रॉइड 11 को एंड्रॉइड 12 का ऑप्शनल देखने को मिलेगा। और एंड्रॉइड 12 का जो ऑप्शनल होता है एंड्रॉइड 11 के लिए वहाँ पर बेच बाय बेच प्रोवाइड किया जाता है और लिमिटेड सीटों के साथ देखने को मिलता है, इसलिए आपको अपडेट थोड़ा डिले देखने को मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके अंदर अंदर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 13 का अर्ली एक्सेस कब तक प्रोवाइड किया जाएगा। तो Realme की ओर से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 13 का अपडेट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, Realme पहले यहाँ पर हाई रेंज फोन को यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का अर्ली एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, जैसा कि Realme GT 2 Pro 5G फोन था उसे यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का बीटा फॉर्म देखने को मिल गया है। तो आपके डिवाइस में बहुत जल्द यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का अर्ली एक्सेस देखने को मिलेगा, तो आपको एक्टिव रहना होगा और आपको आपके डिवाइस को लेटेस्ट में अपडेट करके रखना होगा एंड्रॉइड 12 वर्जन पर, तभी आपको एंड्रॉइड 13 का अर्ली एक्सेस आपके डिवाइस में देखने को मिलेगा। तो यार इस छोटे से वीडियो में यही था, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाना है। मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर।